नमस्कार, मैं बलजी ढाका पिनेकल कोचिंग सेंटर से आप सभी का स्वागत करता हूं। और अब हम करते हैं पार्ट 15 क्वेश्चन ऑफ द डे। यूनिक क्वेश्चन से रिलेटेड एक सीरीज चल रही है जिसमें हम किस तरह के क्वेश्चन आज के ट्रेंड में ज़्यादा आते हैं उसके ऊपर फोकस कर रहे हैं। ऑलरेडी 14 पार्ट हम लोग इसके कर चुके हैं। पहला क्वेश्चन है इसमें 126, इफ ऑन ए सेल देयर इज ए 40% डिस्काउंट ऑन द मार्क प्राइस of rupees 1000, but the sale is done at 510 only when at, then what additional discount did the customer get? Question पूछा गया है कि मार्क प्राइस था जो मार्केट में अंकित मूल्य वो 1000 रुपीज है, 40% की डिस्काउंट है। MRP कितना है? MRP है 1000 रुपीज, 40% उसके ऊपर डिस्काउंट है, इसका मतलब 400 रुपए की डिस्काउंट हो गई है। सेलिंग प्राइस कितना है? 600 रुपए, लेकिन एक्चुअल में जो बेचा जाता है वो 510 रुपए में बेचा जाता है, तो हमें बताना है कि एडिशनल डिस्काउंट है वो कितनी होगी। तो इसका मतलब 510 में बेचा जाता है तो 90 रुपए की डिस्काउंट होगी। ये 90 रुपए की डिस्काउंट किसके ऊपर है? 600 रुपए पे। तो 90 बटे में 600 इंटू 100 पे हमें बतानी है कितना हुआ, 15% डिस्काउंट है वो हो गया। आंसर क्या हुआ? बी। तो 15% डिस्काउंट और देगा वो 510 रुपए में आइटम बेच सकता है। To travel 720 किलोमीटर, a express train takes 6 hours more than Duronto. If, however, the speed of express train is doubled, it takes 2 hours less than Duronto. Speed of Duronto in kilometer per hour is. Question बोला गया है कि total दूरी है वो है 720 किलोमीटर, 720 किलोमीटर की दूरी है। एक एक्सप्रेस ट्रेन अगर चले तो 6 घंटे ज़्यादा लेती है दुरंतो से, दुरंतो की स्पीड इसका मतलब ज़्यादा है। तो अगर मैं ये लिखूँ कि एक्स माइनस वाई है, ये टाइम है 6 घंटे का गैप। इफ स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन इज डबल्ड, ये एक्सप्रेस ट्रेन का मामला था और ये दुरंतो का था, इतने टाइम ले रहा था, तो अगर स्पीड डबल हो जाती है तो इसका मतलब क्या हुआ, टाइम आधा हो जाएगा, टाइम आधा हो जाएगा। इट टेक्स 2 आवर्स लेस देन दुरंतो, तो इस केस में क्या होगा, दुरंतो है उसकी टाइम ज़्यादा होगा, उसका टाइम है वो ज़्यादा होगा, और किसकी तुलना में, एक्सप्रेस जो ट्रेन है उसकी तुलना में। एक्सप्रेस का टाइम अब आधा हो गया है तो उसका टाइम उतना ही था, दोनों का डिफरेंस कितना है, 2 है। ये दो इक्वेशन बन गई है, हम बोल सकते हैं कि 2y - x = 4। अब ये पहली इक्वेशन थी, ये दूसरी इक्वेशन है, अगर हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी 10। y अगर 10 है, y की वैल्यू अगर 10 है तो यहाँ पे कितना होगा, x की वैल्यू 16 होगी, तभी तो 16 - 10 6 होगा ना। अब क्वेश्चन पूछा है उसने कि स्पीड ऑफ दुरंतो क्या स्पीड होगी, टाइम है ये 10 घंटे और टोटल डिस्टेंस है 720, तो स्पीड कितनी हो जाएगी, 720 / 10 मीटर की स्पीड हो जाएगी। आंसर क्या हुआ, बी। तो ये क्वेश्चन है, आप सीधा भी बिना कम टाइम में आप कर सकते हैं इसको, जब दोनों का टाइम डिफरेंस दिया हुआ अच्छा है और जब स्पीड बढ़ जाती है तो इसका मतलब टाइम आधा हो जाएगा, तो दोनों इक्वेशन करेंगे तो बहुत आसानी के साथ इसको आप सोल्व कर पाएंगे, मतलब कि वाई की स्पीड ऑटोमेटिक आ गई है जो कि 10 होगी, तो 10 घंटे लगेंगे, इसका मतलब 720 को 10 से भाग देते हैं। अगला क्वेश्चन है, पॉइंट ए 4 और 2 दिया हुआ है, ये x है और ये y दिया हुआ है, 4 x का वैल्यू है और y है वो 2 है, 4, 2। डिवाइड सेगमेंट BC इन द रेशियो 2:5, कोऑर्डिनेट्स ऑफ B आर 2, 6 एंड C आर 7, y, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y। हम क्या करेंगे, देखो ये BC दिया हुआ है, एक सेगमेंट है B और C, और A है वो डिवाइड कर रहा है, ये A पॉइंट लगा देते हैं, इसके कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं 4 और 2, ये x और y, और 2 और 5 के रेशियो में, ये अगर 2 है तो ये 5 होगा। कोऑर्डिनेट्स ऑफ b आर 2 और 6, इसके 2 और 6 कोऑर्डिनेट है, मतलब x ये है और y ये, अगर मैं x1 मानूं इसको y1 मान लेता हूं, और इसका है कोऑर्डिनेट वो 7 और y है, मतलब अगर मैं इसको x2 मानता हूं और इसको y2 मानता हूं, x2 और y2, तो ये सिचुएशन है। हमें बताना व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y, y की वैल्यू बतानी है। देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है, कॉन्सेप्ट क्या है, ये है इंटरनल डिवीजन ऑफ दिस सेगमेंट, ये सेक्शन फॉर्मूला होते हैं,
उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, और अगर मैं इसका इसकी वैल्यू निकालनी हो, ए किसके बराबर होगा, ए की वैल्यू होगी इस पर्टिकुलर केस में वो निकाला जाता है इसका m, m क्या है, m और n ये रेशियो है, m और n ये रेशियो फॉर्मूला क्या होता है, m x2 प्लस n x1 डिवाइड बाय m प्लस n, और इस केस में क्या है, ये तो x की एक कोऑर्डिनेट आ जाएगा, ये तो x का कोऑर्डिनेट आ जाएगा, ये x का कोऑर्डिनेट है, और दूसरे केस में क्या है, m y2 प्लस n y1 और m प्लस n, ये फॉर्मूला आपको दोनों दिमाग में रखना है, ये y का कोऑर्डिनेट आ जाएगा, किसका, इसका x और y, इसका मतलब क्या हुआ कि इससे रिलेटेड हमें y की वैल्यू कितनी दी है, y ये देखो ये दिया हुआ है चार और दो, ये x हुआ, इसका मतलब चार ये दो है, y की वैल्यू कितनी है, दो है यहाँ पे, तो दो इसके बराबर हुआ m, m कितना है ये, m दो है, y कितना है ये निकालना हमें, तो दो y, और n कितना है, n है पांच, और y कितना है, y किस में है छः, तो छः पंजे तीस, मैं सीधा यहाँ पे लिख देता हूँ, छः इंटू पाँच का सीधा तीस, क्योंकि एन वाई वन, वाई वन ये हुआ और n की वैल्यू ये डिवाइड बाई एम प्लस एन, दो प्लस पांच सात, सीधा मैंने लिख दिया है, सात दूनी चौदह, चौदह तो टू वाई, तीस माइनस चौदह कितना हुआ, ए साइड आएगा तो माइनस सिक्सटीन हो जाएगा, आप बोल सकते हैं फोर्टीन इज इक्वल टू टू वाई प्लस थर्टी होगा तो टू वाई की वैल्यू माइनस सिक्सटीन हो जाएगी, वाई की वैल्यू माइनस एट हो जाएगी, आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी इसका आंसर होगा। ये क्वेश्चन इस लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे दो तीन टाइप की वैरायटी कवर हो सकती है, अगर मान लो ए यहाँ पे पूछा होता था इसकी वैल्यू बताओ इसके कोऑर्डिनेट के, तो ये पूरा दिया होता, हम आसानी से निकाल लेते इस फॉर्मूले, तो ये फॉर्मूला अपने आप में काफी ज्यादा सिग्निफिकेंट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, एट व्हाट पॉइंट डज द लाइन 2x - 3y इज इक्वल टू 6 कट द x एक्सिस, x एक्सिस पे कोई चीज कट करेगी इसका मतलब y की वैल्यू कितनी होगी, y की वैल्यू होगी 0, अगर y की वैल्यू अगर 0 है तो ये कितना हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 6, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 हो जाएगी, तो x की वैल्यू 3 है y की वैल्यू 0 हो जाएगी, d इसका आंसर हो जाएगा, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, सिर्फ आपको इसमें वैल्यू पुट करनी है। If the square of a sum of three positive consecutive natural numbers exceeds the sum of their square by 292, then what is the largest of the three number? क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन को मुश्किल नहीं है लेकिन थोड़ा लेंथी टाइप का हो रहा है। Square of the sum of three consecutive numbers, तीन लगातार नंबर दिए हुए हैं और उनका स्क्वेयर, सम का स्क्वेयर किससे ज्यादा है जो उनका इंडिविजुअल स्क्वेयर है उसके तुलना में। तो एक तो क्या है कि आप ऑप्शन से कर सकते हैं इस तरह क्वेश्चन को, वो एक बेटर टेक्निक भी हो सकती है, लेकिन एक ये भी ऐसा हो सकता है कि x माइनस वन और x और तीन ये कंजक्टिव नंबर है, क्वेश्चन क्या है इसका स्क्वायर, मतलब तीनों के सम का स्क्वायर, इसका सम, इसका और इसका, तीनों के सम का स्क्वायर किससे ज्यादा है, वो ज्यादा इंडिविजुअल के स्क्वायर से ज्यादा है, मतलब इसके स्क्वायर से ज्यादा है, और कितना ज्यादा है, ये ज्यादा है 292, ये इक्वेशन दी हुई है, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, इनका स्क्वायर कर दिया जाए और ये इंडिविजुअल नंबर, तो देखो आप सीधा कैंसिल कर सकते हैं 3x स्क्वायर, मतलब 3x, 3x बन रहा है तो कितना हो जाएगा 9x स्क्वायर हो जाएगा इस साइड, और ये कितना है अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो कितना हो जाएगा x स्क्वायर प्लस में 1 और प्लस में 2 माइनस 2x और x स्क्वायर प्लस में x स्क्वायर प्लस में 1 और 2x, तो ये कैंसिल हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस x और 3x स्क्वायर हो जाएगा और प्लस में 2 है ये, तो कितना हो जाएगा 9x स्क्वायर और माइनस 3x स्क्वायर, सीधा मैं 6x स्क्वायर लिख देता हूँ यहाँ पे, और ये माइनस 2 इस साइड जाए प्लस हो जाएगा, ये प्लस 294 हो जाएगा, दूसरे शब्दों में बोल रहे हैं तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9 आ जाएगी, ये 9 सॉरी ये 7 आ जाएगी, 7 इंटू 7 49 होता है, तो हमें पूछा सबसे बड़ी संख्या क्या है, सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी 7 प्लस 1 8, डी इसका आंसर हो जाएगा, तो ऐसे ही अगर 6 प्लस 7 प्लस 8 है इसका स्क्वायर करते हैं और 6 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, तो आप इसका यूनिट डिजिट का इस्तेमाल कर सकते हैं कि देखिए दो किसमें आ रहा है, डिपेंड करता है आप क्या स्ट्रेटजी अपनाते हैं उस टाइम में एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है, ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 6 डेज वर्किंग 8 आवर्स ए डे व्हाइल बी कैन डू द सेम वर्क इन 4 डेज वर्किंग 10 आवर्स ए डे, इफ द वर्क हैज टू बी कंप्लीटेड इन 5 डेज So how many hours do they need work together in a day? कहने का मतलब है कि ए करता है 6 दिन में 8 घंटे, वे 8 घंटे अगर हर रोज काम करे तो कंप्लीट कर देता है,
बी करता है अगर 10 घंटे वो काम करे तो 4 दिन में कंप्लीट कर देगा, दोनों मिलकर 5 दिन में कंप्लीट करते हैं, बताओ दोनों मिलकर जब करें तो कितने घंटे पर डे काम करें जब 5 दिन में कंप्लीट हो जाए, तो ये क्वेश्चन बन रहा है। तो ए कितने घंटे, पहले हम घंटे देख लेते हैं, 6 × 8 कितना होगा 48 घंटे में काम कर रहा है। बी कितने घंटे में काम कर रहा है, बी कर रहा है 4 × 10, आप सीधा लीजिए 40 घंटे में काम कर रहा है। काम मान लेते हैं हम दोनों को 48 × 40 ले लेते हैं, बजाय एलसीएम लेने के सीधा हम लोग मल्टीप्लाई ले लेते हैं, आसान हो जाएगा। एक घंटे का काम कितना हुआ, रोज मल्टीप्लाई कर दीजिए जी क्योंकि अब आसान हो जाएगा, तो 40 और 48 ये एक घंटे काम हुआ। दोनों ने एक घंटे में कितना किया, दोनों ने एक घंटे में किया 40 + 48 कितना हुआ 88, टोटल काम ये था एक घंटे में किया हमने दोनों ने मिलकर 88, तो कितना हुआ 88 उन्होंने, अगर एक घंटे में काम करते हैं टोटल काम इतना है तो ये आ जाएगा नंबर ऑफ आवर्स, नंबर ऑफ आवर्स आ जाएंगे। लेकिन एक दिन में अगर एक 5 दिन करता है टोटल काम, तो हम 5 से अगर भाग दे देंगे तो पर डे कितना काम किया वो आ जाएगा। कहने का मतलब है कि ये किसके बराबर है, 5 × x के बराबर हो जाएगा, तो x इस साइड आ जाएगा, आप ऐसे भी रख सकते हैं इसको, तो क्या हो जाएगा ये नंबर ऑफ आवर्स आ जाएंगे पर डे कितना काम कर रहा है, कितना आ जाएगा 48/11, 48/11 का मतलब क्या हुआ डी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको ध्यान से करना ये है, मुश्किल नहीं है लेकिन थोड़ा समझना है, वरना क्वेश्चन तो आंसर तो आपको बिल्कुल ही आसान लगेगा। 3 बॉक्सेस ऑफ, और एक चीज और भी होती है कि जब कोई करता है सामने तो आसान लगता है क्वेश्चन, जब खुद करते हैं तो डिफिकल्ट लगते हैं। तो जब एग्जाम में आप रियल करेंगे और हम इसका सारा जो ऑनलाइन टेस्ट पोर्टल में डाल देंगे ये टेस्ट सारे क्वेश्चन, तो उसमें जब आप खुद करेंगे इसका रिविजन करेंगे आपको उस टाइम में और ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। 3 बॉक्सेस ऑफ कैपेसिटी 24 kg, 30 kg, 36 kg, 84 kg आर कंप्लीटली फिल्ड विद 3 वेराइटीज ऑफ वीट ए बी एंड सी। 3 बॉक्स है, 3 टाइप की वैरायटी दी गई है, 24 किलो का बॉक्स है, 36 किलो का बॉक्स है, 84 केजी का बॉक्स है, और वो भरे हुए हैं 3 वैरायटी से ए बी और सी से। ऑल द 3 बॉक्सेस वर एम्प्टी, तीनों बॉक्स को अब खाली कर दिया गया और तीनों टाइप के वीट को आपस में फुली थोरोली मिक्स कर दिया गया है और मिक्सर को दोबारा इन 3 बॉक्सेस में डाल दिया गया है। बताओ हाउ मेनी केजी ऑफ टाइप ए वीट वुड बी देयर इन थर्ड बॉक्स, तीसरे बॉक्स में जो ए टाइप की वीट है वो कितनी होगी। देखो पहले तो क्या अपने अपने टाइप की, ये ए टाइप की वीट थी, ये बी की थी और ये सी की थी, ये फर्स्ट टर्म था, ये सेकंड टर्म था, ये थर्ड टर्म था, ऐसे बॉक्स थे। अब तीनों को इकट्ठा कर दिया जाता है तो 24 36 कितना हुआ 40 और 20 60 और 144 केजी टोटल वीट हो गई, 144 केजी वीट हो गई है। और इसमें पूछा गया है कि जो बड़े वाला है, बड़े वाला कितना है 84 है, तो इसका 84 और 144 कि बड़े वाले में इतनी आएगी टोटल में से, 84 आएगी बड़े वाले में टोटल में से 144, ये रेशियो है। अब पूछा गया कि जो ए टाइप वीट है वो कितनी होगी, तो टोटल तो आ रही है इसमें 84 जिसमें ए बी सी तीनों शामिल होगी, तीनों वैरायटी टाइप, लेकिन टोटल 84 आ सकती है। और रेशियो क्या है इनका, 144 में से 24 है इसका रेशियो ए टाइप का, तो 84 में कितना होगा, 84 में हो जाएगा 14, 14 आंसर हो जाएगा। आप बोल सकते हैं कि 144 में से 144 में 24 किलो है ए टाइप, तो 84 में कितनी होगी, 84 में कितनी होगी 14 किलो हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, ए बोट गोज 4 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 4 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 1 आवर, द सेम बोट गोज 5 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम एंड 3 किलोमीटर अपस्ट्रीम इन 55 मिनट्स। 55 मिनट का मतलब क्या हुआ, 11/12 आवर्स हो गए। व्हाट इज द स्पीड ऑफ, क्योंकि हर चीज किलोमीटर पर आवर में है तो इसलिए हमने इसको आवर बना लिया, घंटा बना लिया। व्हाट इज द स्पीड ऑफ ए बोट इन स्टिल वाटर, स्टिल वाटर की स्पीड क्या होगी, स्टिल वाटर में बोट की इसकी स्पीड क्या होगी ये बताना है। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन आमतौर पर क्या होता है, स्टूडेंट है अगर अच्छा प्रैक्टिस है तो वो ऑप्शन से कर सकते हैं, एक तो ये बात है कि ऑप्शन से कर सकते हैं। दूसरा क्या है कि देखिए इनके इक्वेशन को आप बैलेंस बना लीजिए इन दोनों का, मतलब इसको अगर मैं 5 से गुणा कर दूं, इसको 4 से कर दूं, तो दोनों बैलेंस हो जाएगा। इसको मैं अगर इक्वेशन के फॉर्मेट में लिख देता हूं कि टोटल कितना किलोमीटर, 4 किलोमीटर,
एक्स प्लस वाई, इसकी जगह पे मैं एक्स प्लस वाई का मतलब क्या हुआ, डाउनस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम को मैं लिख देता हूं डी से, 4 किलोमीटर डिवाइड बाई डी, ये कितना टाइम, और ये इसका क्या है 4 किलोमीटर, और अपस्ट्रीम इसका लिख देता हूं मैं यू, दोनों को लगा 1 घंटा। दूसरा केस क्या बनता है कि 5 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, तो इसका मतलब डी, और 3 किलोमीटर इसका फिर यू अपस्ट्रीम इज इक्वल टू 11/12। अब देखो इन दोनों को बैलेंस कर लो, 5 इससे 5 का कर दो, दोनों तरफ से गुणा, और इसको कर दो 4 से, तो ये क्या बैलेंस हो जाएगा, दोनों का डिफरेंस कर दो, ये कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि 5 तो 20 20 डी है, ये भी 20 डी होगा, दोनों का डिफरेंस करेंगे कैंसिल हो जाएगा, दोनों को माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 20 यू माइनस 4 से 12 यू, तो कितना हो जाएगा 8 यू, 8 बाय यू अपस्ट्रीम है ये, और ये 5 है और ये कितना है, इसको मैं 4 से गुणा कर दूं तो 11/3, ये 5 था ना, 5 से गुणा था, तो ये हो जाएगा 8/3 यू इज इक्वल टू माइनस 11/3, 4/3 आ जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा, तो यू की वैल्यू आ जाएगी 6। ये क्या है अपस्ट्रीम है, ये अगर अपस्ट्रीम है यू, अगर मैं 4/6 लिख दूं इस केस में, इस पर्टिकुलर इक्वेशन में 4/6, इसका मतलब ये 4/3 डी, और ये 4/6 करूंगा तो 2/3 हो जाएगा, इस साइड जाएगा तो 1 - 2/3 कितना होता है 1/3, तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12। तो डाउनस्ट्रीम है 12, अपस्ट्रीम है 6। अब हमारे पास क्या है, स्टिल वाटर निकालना है, तो दोनों को जोड़कर 2 से भाग दे देंगे, 12 18/2 कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, क्या है ये 9, ये आ जाएगी अब ये स्टिल वाटर स्पीड। आप बोल सकते हैं कि 9 स्टिल वाटर स्पीड है, 12 - 9 = 3, तो वो 3 है करंट की स्पीड है, 9 स्टील वाटर स्पीड है, 3 करंट की स्पीड है, करंट की स्पीड पूछी होती तो आप ऐसे निकाल सकते थे। तो जब इस तरह क्वेश्चन आप यहीं से सीधा डायरेक्ट कर सकते हो कि अगर इन तो एक को बैलेंस बना दो, 4 ये 5 ये, तो इसको 5 से गुणा कर दो, इसको 4 से कर दो, इसका मतलब 5 से इसको किया, इसको भी 5 से कर दिया, इसको भी 5 से कर दिया, इसको 4 से किया, इसको भी 4 से, इसको 4 से किया, दोनों का डिफरेंस ले लेंगे तो एक्चुअली ये कैंसिल हो जाएंगे, बस यही बचेगा, ये बचेगा। तो आप इस तरह से करके इसको निकाल सकते हैं, अगर ऑप्शन दिमाग में उस टाइम में ना आए, क्योंकि ऑप्शन भी कई बार क्या होता है थोड़ा सा डीप में हो तो सोचना मुश्किल हो जाता है। फिर आ जाता है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द एक्सप्रेशन x की पावर 6 माइनस 18 x की पावर 3 प्लस k विल बी ए परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, x की पावर 6 माइनस 18 x 3 और प्लस k इज इक्वल टू 0, तब जाकर यह परफेक्ट स्क्वायर होगा, इसका मतलब यह है। अगर मैं ऐसे भी लिख सकता हूं इसको कि x3 और माइनस रूट के, अगर मैं इसको स्क्वायर करूं तो क्या बन जाएगा, के की पावर सॉरी एक्स की पावर 6 माइनस के सॉरी प्लस के हो जाएगा और माइनस 3 इंटू एक्स इंटू 2, तो 6 एक्स 3 और इंटू के हो जाएगा, के हो जाएगा। तो मैं के कितना लिखूं, ये रूट के किसके बराबर होगा, जिससे कि रूट के है वो 9 के ये 3 के बराबर होना चाहिए, के की वैल्यू कितनी होगी, सॉरी ये यहाँ पे 2 के बराबर होगा ना, 2 क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी होता है, तो ये 2 ए की पावर इसकी पावर 3, तो आप बोल सकते हैं कि इसकी जो वैल्यू है, इसकी वैल्यू 2 रूट के वो 18 है, की वैल्यू कितनी, रूट के की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9, के की वैल्यू कितनी हो जाएगी 81, तो अगर ये के है 81 है तो रूट के कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। हमें पूछा क्या के की वैल्यू कितनी, के की वैल्यू बतानी है, 81 हो जाएगी, डी इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है, ये एक एक्सप्रेशन दी हुई है हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो इस तरह क्वेश्चन में आपको क्या करना चाहिए, आप इसको देखो ये कंपोनेंट और डिविडेंडो बना हुआ है, कई स्टूडेंट क्या करते हैं कि यहाँ पे कुछ बराबर में दिया हुआ नहीं होता उसमें भी कंपोनेंट और डिविडेंडो लगाने की कोशिश करते हैं, वो गलत हो जाता है, ऐसा नहीं करना चाहिए, वो परफेक्ट टेक्निक नहीं है, जब इस फॉर्मेट में दिया हो तभी लगाना चाहिए। मैंने कई बार देखा है कमेंट करते हुए स्टूडेंट को कि वो हर बात में कंपोनेंट और डिविडेंडो में लगाने की कोशिश करते हैं, वो ज्यादा डेंजरस हो जाता है, तो ए प्लस बी ए माइनस बी सी बाई डी इस फॉर्मेट में तभी लगेगा, ए बाई बी हो जाएगा फिर और सी प्लस डी और सी माइनस डी, इसका मतलब ये होता है कंपोनेंट और डिविडेंडो, तो ये इस फॉर्मेट में ए प्लस बी और ए माइनस बी।
अब देखिए इसको मैं ए बाई बी की फॉर्मेट में कैसे लिखूंगा, रूट फाइव प्लस एक्स, और बी कितना, ये रूट फाइव माइनस एक्स, ये कितना हो जाएगा, ये सी प्लस डी कितना, तीन प्लस एक चार, और तीन माइनस एक दो, चार बटे में दो आप बोल सकते हैं, दो दोनों तरफ स्क्वेयर करने पे क्या बन जाएगा, फाइव प्लस एक्स और फाइव माइनस एक्स इज इक्वल टू चार, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, फाइव प्लस एक्स बीस और माइनस में चार एक्स, तो कितना हो जाएगा, पांच एक्स माइनस फिफ्टीन, और एक्स की वैल्यू आ जाएगी तीन, डी इसका आंसर हो जाएगा, वैल्यू हमें एक्स की निकालनी थी, अदरवाइज आप ऑप्शन से पुट कर सकते हैं एक्स की वैल्यू, ऑप्शन से भी पुट कर सकते हैं एक्स की वैल्यू, लेकिन जब कंपोनेंट और डिविडेंड लग रहा हो तो आप उसका सारा लेने की कोशिश करने में कोई अच्छी बात होती है, लेकिन ऐसा नहीं हो कि यहाँ पे कुछ दिया हुआ नहीं निकालना होता, कई बार उसमें लगाना स्टार्ट कर देते हैं। x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू ट्वेल्व, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इज इक्वल टू 44, एक्स वाई जेड 48 है, इसकी वैल्यू, ये काफी सवाल आ रहा है आज के नए ट्रेंड में आजकल, तो आप इसको थोड़ा देखिए, देखने की कोशिश कीजिए, एक तो वो फॉर्मूला है जो आप जानते ही होंगे, एक्स थ्री प्लस वाई थ्री प्लस जेड थ्री प्लस माइनस थ्री एक्स वाई जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड वाला, तो एक दूसरा क्या है कि आप इसमें वैल्यू पुट करके आप दोनों को बैलेंस कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, दोनों आपको आने चाहिए, क्योंकि कई बार दिक्कत आ जाती है वैल्यू पुट करने में, इसमें देखिए क्या हो सकता है, अगर मैं छः प्लस चार प्लस दो करूँ तो कितना होगा, बारह हो जाएगा, छः प्लस इंटू चार इंटू दो करूँगा कितना हो जाएगा, छः चौ चौबीस दोनों अड़तालीस हो जाएगा, और छः इंटू चार, चार इंटू दो और छः इंटू दो करूँ तो कितना हो जाएगा, चौबीस आठ और बारह, बारह आठ बीस और चौबीस चवालीस, तो इसका मतलब सेटिस्फाई हो रहा है, क्या भाई जब एक्स में एक एक में छः कर रहा हूँ, एक चार कर रहा हूँ, एक दो कर रहा हूँ, हमारी हमें बताना है कि इसकी वैल्यू क्या होगी, तो कितना होगा, छः की पावर तीन कितना होता है, दो सौ सोलह, चार की पावर तीन कितना होता है, चौंसठ, और दो की पावर तीन कितना होता है, आठ, तो छः चार दस आठ अठारह, छः एक सात एक आठ, दो सौ अठासी आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, इफ एक्स इज इक्वल टू दिया हुआ है, एक्स के बराबर दिया हुआ है ये वैल्यू और ये दिया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आमतौर पर स्टूडेंट क्या होते हैं इसमें भी लगाना स्टार्ट कर देते हैं कंपोनेंट डिविडेंड, देखो यहाँ पे ए प्लस ए, यहाँ पे ये अगर ए मानते हैं या ए ए प्लस बी, यहाँ पे ए माइनस बी, ए प्लस बी, मतलब इस तरह के क्वेश्चन में भी लगाने की कोशिश करना स्टार्ट करते हैं जो कि कोई बराबर दिया हुआ नहीं है, तो वो ज्यादा डेंजरस सिचुएशन में ले जाएगा आपको, आप इस तरह के क्वेश्चन को ऐसा सोल्व करना चाहिए कि इसमें वैल्यू पुट करें वही ज्यादा फायदेमंद हो सकता है, और वैल्यू में ऐसे पुट कीजिए कि एक्स फ्रैक्शन में ना आए, पहले कोशिश आपकी यही होनी चाहिए, तो क्या हो सकता है अगर मैं ए की जगह पर नाइन फिट करता हूँ और बी की जगह पर वन करता हूँ तो कितना होगा, नाइन इंटू वन नाइन, और रूट नाइन कितना होगा तीन, चार इंटू तीन कितना होगा बारह, और अंदर क्या हो जाएगा यहाँ पे नाइन का रूट कितना होगा तीन, तीन प्लस में एक चार हो जाएगा, तो क्या हुआ एक्स की तो वैल्यू आ गई तीन, और हमने ए की वैल्यू फिट की है नाइन और बी की है वन, अब देखो इसमें भी आप फिट करो ये कितना होगा, एक्स की जगह मैं तीन करता हूँ और दो इंटू तीन छः हो जाएगा दो, और एक जगह पे कितना कर रहा हूँ मैं नाइन करूँगा एक जगह पे, तो ये तीन हो जाएगा, तीन दूनी छः, और ये कितना हो जाएगा तीन और माइनस छः, तो नौ माइनस तीन, नौ डिवाइड बाई थ्री ये हो जाएगा माइनस थ्री, माइनस ये हो जाएगा माइनस थ्री, अब ये देखो यहाँ पे भी देखो यहाँ पे हमें क्या करना है कि तीन और प्लस में क्या है दो इंटू ए, दो एकम दो, और नीचे तीन माइनस दो ये आ जाएगा पांच, माइनस तीन प्लस पांच कितना होता है दो, आंसर क्या हो जाएगा इसका बी इसका आंसर हो जाएगा, तो बेटर ये है कि अगर आप ए की जगह पे चार करते मान लो चार ये कर देते और बी करते आंसर आ जाता, लेकिन चार और ये दो, दो इंटू दो चार आठ, आठ बटे में फिर दो और प्लस एक तीन, आठ बटे में तीन हो जाता तो एक्स की वैल्यू फिर वो फ्रैक्शन में आ जाती निकल जाता, कोशिश यही करनी चाहिए कि आप ये फ्रैक्शन में नहीं जाने दें। अगला क्वेश्चन आ जाता है द टेंजेंट्स ड्रॉन एट पॉइंट ए एंड बी ऑफ ए सर्कल विद सेंटर ओ मीट एट पी इफ एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 120 ए पी इज 6 सेंटीमीटर देन व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी बी दिया हुआ है एक सर्कल दिया हुआ है सर्कल दिया हुआ टेंजेंट दिया हुआ है ए और बी पे ए और बी पे और वो टेंजेंट फिर P पे मिलते हैं यहां पे मिल रहे हैं ये टेंजेंट है P पे A और B से ये टेंजेंट और ये सेंटर है O
ए को बी दिया हुआ है 120, ये 120, एपी दिया हुआ है 6, और हमें निकालना है एपीबी, ए पी और बी इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है, इसका एरिया निकालना है। तो जब आपका 120 हो तो आपके सामने बहुत बड़ा आसान सी चीज हो जाएगी, क्या कि देखो ये तो टोटल था 90, क्यों 90 है, क्योंकि टेंजेंट सेंटर के साथ में 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो अगर ये 120 है और ये इस ट्रायंगल में किसमें ओ ए बी में ये दोनों एंगल का जोड़ 60 डिग्री होगा, 180 में से 60, 120 का 60 होता है ना, तो ये 30 हो जाएगा और साइड भी 30 हो जाएगा। अगर टोटल 90 है, ये 30 है, ये कितना हुआ, ये वाला पोर्शन, ये 60 हो जाएगा, और ये वाला पोर्शन कितना है 60 और 60, ये फिर कितना होगा, ये 180 में से 120 का, ये भी 60 डिग्री होगा, ये भी 60 डिग्री होगा। अगर ये 60 है, ये 60 है, ये 60 है, इक्विलेटरल ट्रायंगल हुई और एक साइड दी हुई है, तो √3/4 ए स्क्वायर ये फॉर्मूला होता है, तो 36 हो जाएगा, क्योंकि 6 × 6 = 36, ये कितना हो जाएगा 9√3 का आंसर हो जाएगा। अब सीधा अगर आप ये जब भी देखें और इस फॉर्मेट में क्वेश्चन आए, सीधा आप इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, P is a point outside the circle at a distance of 6.5 cm from the center O of the circle. P R B a secant such that it intersects the circle at Q and R. If PQ is equal to 4.5 and QR is equal to 3.5, then what is the radius of the circle? Circle का radius बताना है। क्या दिया हुआ है? Question है। ये सर्कल दिया हुआ है, P इज द पॉइंट आउटसाइड द सर्कल, ये मान लो P पॉइंट है, और डिस्टेंस है उसकी, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, यहां से डिस्टेंस है, यहां से सेंटर से 6.5 है, यहां से लेकर डिस्टेंस। पी आर बी ए सीकेंट सच दैट इट इंटरसेक्ट द सर्कल एट क्यू एंड आर, P और R ये secant है, PR भी ये secant है, that it is intersect the circle at Q, Q पे intersect कर रहा है, PQ 4.5 है, ये 4.5 है, QR 3.5 है, Q और R 3.5 है, then what is the radius of the circle, radius हमें बताना है, इसका ये कितना हो, R की value हमें बतानी है। तो एक इस तरह के question में आपको ये property लगानी है, ये वाली, ये क्या होती है property, PR, इसको मैं अगर है पूरा ए बी के फॉर्मेट में लिख देता हूँ, अगर ये चलो मैं इसी में लगा देता हूँ, पी आर इंटू पी क्यू पूरे का और इंटू पी क्यू, पी क्यू ये किसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा, अगर मैं इसको ओ मान लेता हूँ और ये इसको जेड मान लेता हूँ, इसको जेड मान लेता हूँ, तो पी जेड और इंटू पी ओ। अब देखो ये फॉर्मूला होता है, इसको हम कैसे यूज करें, यहाँ पे ये कितना दिया, पी आर कितना है 4 × 3 = 8, पी आर टोटल कितना होगा 8 हो जाएगा, और पी क्यू कितना दिया हुआ है, पी हुआ 4.5 इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला आपको आना चाहिए तब तो आसानी से निकल जाएगा। पी जेड कितना है, पी जेड मतलब पूरा, तो ये तो 6.5 था और ये आर है, आर ले लेते हैं इसको क्योंकि रेडियस है, तो 6.5 प्लस में आर, और ये कितना है यहां से लेकर यहां तक, ये है आर, इसको माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 6.5 माइनस आर क्या आ गया। अब देखो a प्लस बी, ए माइनस बी, ये बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये क्या इस साइड 832 और 436, तो 36 ये इस साइड तो हो गया 36 इज इक्वल टू 6.5 का स्क्वायर और माइनस आर का स्क्वायर। आप ये लिख सकते हैं इस साइड में जाकर कि आर स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा, ये किसका स्क्वायर है 6.5 का स्क्वायर, तो इस साइड का ही है, और ये 6 का स्क्वायर लिख देता हूँ साइड, माइनस 6 का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हम इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए प्लस बी कितना है 6 और 6.5 कितना हो 12.5, ए माइनस बी हाफ हो जाएगा, 1/2 कर सकते हैं इसको, तो 12.5 का हाफ कितना होता है 6.25, आर की वैल्यू आर स्क्वायर आ गया 6.25, और आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसका रूट करेंगे तो 2.5 आ जाएगी, क्योंकि 25 × 25 = 625 होता है, तो आर की वैल्यू आ जाएगी 2.5, पूछा है इसका रेडियस कितना होगा, सी इसका आंसर हो जाएगा 2.5। तो ये प्रॉपर्टी आपको जरूर दिमाग में होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है,
if tangent theta plus cot theta is equal to x, then what is the value of tangent 4 theta plus cot 4 theta? इसकी हमें वैल्यू निकालनी है। तो ये अगर दिया हुआ हो और हमें इसकी वैल्यू निकालनी हो, देखो आप वैल्यू पुट करेंगे तो निकल जाएगा, वरना आप पहले स्क्वेयरिंग करेंगे फिर उसके बाद और स्क्वेयरिंग करेंगे, डबल स्क्वेयरिंग करेंगे। मेरा ये मानना है कि आप वैल्यू पुट कीजिए, थीटा की वैल्यू अगर मैं 45 करता हूँ तो 1 प्लस 1 कितना हुआ 2, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 2 और यहाँ पे क्या 1 प्लस 1 2, तो देखिए इसकी वैल्यू 2 सेटिस्फाई कब होगी। इसका मतलब x का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3 1, ये नहीं हो सकती क्योंकि वैल्यू 2 आनी चाहिए दोनों को मिलाकर, 2 आखिर में इनका 2 आना चाहिए, ये नहीं हो सकता। फिर ये नहीं हो सकता, 2 अगर मैं इसको 2 करूंगा तो कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 और फिर ये 2 और 4, ये नहीं हो सकता। 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना 4 माइनस 4 0 हो जाएगा, ये पूरी 0 हो जाएगी और ये 2 हो जाएगा। इसका मतलब ये सेटिस्फाई कर रहा है, डी विल सेटिस्फाई, आंसर क्या होगा डी हो जाएगा। तो बहुत आसानी के साथ इस तरह क्वेश्चन को कर सकते हैं, वरना आप दो बार स्क्वेयर कीजिए तो आप ऐसे निकाल सकते हैं अगर वैल्यू पुट नहीं हो पा रही है। तो इस तरह से वंस दिस सीरीज इज कंप्लीटेड आफ्टर दैट नॉट इवन ए सिंगल क्वेश्चन विल बी देयर इन एसएससी क्वेश्चन बैंक दैट यू कैन नॉट सॉल्व। हम ये सीरीज कर रहे हैं कि आजकल कौन से क्वेश्चन है ज्यादा ट्रेंड में है, आपको वो करना चाहिए। इसका कोई आसान मुश्किल से कोई लेना देना नहीं है, ये क्वेश्चन वो है जो आपको ये करने चाहिए नए पैटर्न पे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस प्रेजेंटेशन, ऑल द बेस्ट।